दोस्तों, लीगल आईपीएल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ईएसआईसी के बारे में बेसिक नॉलेज देने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ईएसआईसी के बारे में नहीं मालूम है। ईएसआईसी यानी इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ईएसआईसी में आपके जो कर्मचारी होते हैं उनका बीमा हो जाता है, और उनको कोई भी चोट लगती है आपकी फैक्ट्री में काम करते वक्त या कोई भी दुर्घटना होती है, तो उसका उनको लाभ जो मिलना चाहिए वो ईएसआईसी द्वारा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि आप अगर आपकी फैक्ट्री में ईएसआई एप्लीकेबल है और आपने अपने कर्मचारियों को ईएसआईसी का लाभ दे रखा है, तो आपके ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लाइज कंपनसेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो ईएसआईसी में कवर्ड है। हमारा सजेशन ये रहता है कि आप लोग अपने एम्प्लाइज को, जो भी आपके एम्प्लाइज हैं, सभी को आप ईएसआई में ज़रूर कवर कराएं, ताकि आपके साथ साथ आपके कर्मचारियों को और कर्मचारियों के परिवार को इसका लाभ मिल सके। और आजकल तमाम सुविधाएं आ गई हैं ईएसआई में, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा अगले अपने वीडियो में। उसके तहत आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आपके कर्मचारियों को जब स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, मेडिकल की सुविधा मिलेगी, तो वो भी आपके यहाँ पर मन लगाकर काम करेंगे और आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। वो भी निश्चिंत रहेंगे, उनका परिवार भी निश्चिंत रहेगा कि कोई भी दुर्घटना होने पर, कोई भी बीमारी होने पर वो एक इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर्ड है और वहाँ से उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब मैं ईएसआईसी में आपको बताता हूँ कि ईएसआईसी अगर आपके यहाँ पर फैक्ट्री है, 10 एम्प्लाई है, इस्टेब्लिशमेंट है 20 एम्प्लाई है, तो आपके यहाँ पर ईएसआईसी एप्लीकेबल हो जाता है। आपने जब ईएसआईसी ले लिया, ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया, इसके बाद आपको अपने ईएसआई में एम्प्लाई कवर्ड करने होते हैं, और एम्प्लाई की जो सैलरी होती है उसका 0.75% आपको एम्प्लाई की सैलरी से डिडक्ट करना होता है, और 3.25% आपको अपने अकाउंट से जमा करना होता है। यानी कि एम्प्लॉयर 3.25% जमा करेगा और एम्प्लॉई की सैलरी से 0.75% जमा होगा, टोटल 4% जमा होगा। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपने एम्प्लॉईज को ईएसआईसी में जरूर कवर कराएं। ईएसआईसी में जो इसकी लिमिट है ईएसआईसी की, वो 21,000 है, यानी जिसकी भी ग्रॉस सैलरी 21,000 तक है तो उसका ईएसआईसी आपको काटना मैंडेटरी है। ग्रॉस सैलरी में सभी कुछ का आ जाता है। ग्रॉस सैलरी का मतलब उसका बेसिक एचआरए कन्वेंस, जो भी चीज़ें हैं जो मिला के ग्रॉस सैलरी बनती है, पूरा ग्रॉस सैलरी अगर उसकी 21,000 तक है तो उसका ईएसआईसी कटेगा, और अगर 21,000 से ऊपर जाती है उसकी सैलरी तो वो ईएसआईसी से बाहर हो जाएगा, या पहले से ही अगर किसी की 21,000 से ऊपर है तो उसका ईएसआईसी नहीं कटेगा। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने एम्प्लॉइज को आप ईएसआईसी में ज़रूर कवर करें और कर्मचारियों को इसका लाभ दिलाएं। धन्यवाद।